मूवी स्टार्ट होती है तो हम एक लड़की कोर्टनी और उसकी छोटी बहन को गाड़ी से जाता हुआ देखते हैं। तभी कोर्टनी मोबाइल चलाने में बिजी हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी गाड़ी एक ट्रक से जाकर टकरा जाती है और वो नीचे रिवर में गिर जाती है। अब कोर्टनी तो बच जाती है, लेकिन उसकी छोटी बहन मर जाती है, जिसकी वजह से कोर्टनी डिप्रेशन में चली जाती है और वो उस हादसे की वजह से आफ्टर लाइफ यानी इंसान के लाइफ के बाद क्या होता है उसके बारे में काफी सोचती है। असल में कोर्टनी एक मेडिकल स्टूडेंट होती है। फिर एक दिन उसके सामने एक पेशेंट को लाया जाता है जिसकी दिल की धड़कन काफी टाइम से रुक गई थी। इट मींस वो लेडी मर गई थी, लेकिन CPR देकर उसे दोबारा जिंदा किया जाता है। तब कोर्टनी उस लेडी से पूछती है कि जब आपकी हार्ट बीट बंद हो गई थी तब आपने क्या महसूस किया? क्या आपने अपने किसी खोए हुए इंसान को देखा या कुछ फील किया? लेकिन वो पेशेंट उसकी बात का जवाब नहीं देती और उससे पूछती है कि क्या तुमने अपने किसी को खो दिया है? इसके बाद डॉक्टर उस पेशेंट को वहां से ले जाते हैं, लेकिन वो औरत मरकर दोबारा जिंदा हुई थी। तो कोर्टनी यह देखकर काफी हैरान थी। तभी हम कोर्टनी के फीमेल फ्रेंड को देखते हैं जो कि लाइब्रेरी में बैठकर रो रही थी, क्योंकि मेडिकल की स्टडी उससे काफी मुश्किल लग रही थी और सिर्फ उसे अपनी मदर की प्रेशर से मेडिकल की स्टडी कर रही थी। तब कोर्टनी उसे कहती है कि स्टडी में मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरी भी मदद करनी होगी मेरे एक प्रोजेक्ट में। तब कोर्टनी नेक्स्ट डे अपने कॉलेज के बेसमेंट में बुलाती है, जहाँ पर किसी का आना भी अलाउड नहीं था। फिर कोर्टनी की फ्रेंड उसकी हेल्प करने के लिए एग्री हो जाती है। इसके बाद हमें कोर्टनी के मेल फ्रेंड को दिखाया जाता है। अब कोर्टनी उसे इधर उधर की बातें करके उसे भी बेसमेंट में बुलाती है। असल में कोर्टनी को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए दो लोगों की जरूरत थी, इसलिए वो अपने दोनों फ्रेंड की हेल्प लेती है। फिर रात को वो दोनों भी बेसमेंट में आ जाते हैं। अब कोर्टनी उनके सामने सारी बातें रिवील करती है कि असल में मैं एक एक्सपेरिमेंट करने जा रही हूँ जिसका नाम है फ्लैट लाइन, जो कि मेडिकल साइंस में काफी बड़ी डिस्कवरी और अचीवमेंट होगी, क्योंकि मरने के बाद इंसानों को व्हाइट कलर की लाइट दिखती है और इसी दौरान थोड़ी टाइम के लिए इंसान का दिमाग जिंदा भी रहता है। यह वही टाइम होता है जब इंसान लाइफ के बाद आफ्टर लाइफ में एंट्री करता है। आफ्टर लाइफ में जाने के बाद इंसान के ब्रेन में क्या क्या होता है उन्हीं एक्टिविटी को चेक करना है। यहां इस एक्सपेरिमेंट में एक मिनट के लिए कोर्टनी की धड़कन बंद होगी और उसकी पूरी बॉडी मरने लगेगी और उसी बीच उसकी ब्रेन की सारी एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया जाएगा। फिर ऐसा करने के बाद उन्हें उसकी दिल की धड़कन को वापस स्टेबल करनी होगी, यानी वापस लानी होगी। अब यह सब सुनने के बाद कोर्टनी का मेल फ्रेंड तो एग्री हो जाता है, लेकिन कोर्टनी की फीमेल फ्रेंड काफी घबराने लगती है, क्योंकि किसी मरे हुए इंसान को दोबारा से जिंदा करना कोई आसान बात थोड़ी होती है। इसके बाद वो लोग अपना प्रोसीजर स्टार्ट कर देते हैं। कोर्टनी का मेल फ्रेंड उसे इंजेक्शन लगा देता है। अब आहिस्ता आहिस्ता कोर्टनी की दिल की धड़कन बंद होने लगती है, उसकी पूरी बॉडी वाइब्रेट करने लगती है और वहां पर कोर्टनी मर जाती है। और फिर यह लोग कोर्टनी के ब्रेन एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने लगते हैं और दूसरी तरफ हम कोर्टनी को देखते हैं, जहां उसकी सारी मेमोरी रिफ्रेश होने लगती है। उसने बचपन में क्या क्या पढ़ा लिखा उसे सारे अचानक से याद आने लगते हैं और देखते ही देखते एक मिनट पूरा हो जाता है। फिर कोर्टनी को दोबारा से इंजेक्शन देकर दोबारा से जिंदा किया जाता है, लेकिन वो जिंदा हो ही नहीं रही थी। फिर वो लोग उसे CPR देते हैं। वो लोग सब कुछ कर रहे थे उसे जिंदा करने के लिए, लेकिन वो फिर भी जिंदा नहीं हो रही थी। तबीयत देखकर कोर्टनी की फ्रेंड बहुत ही ज्यादा डर जाती है। अब वो उस डॉक्टर को इमरजेंसी के तौर पर उसे बेसमेंट में बुलाती है। तब यहाँ पर वो डॉक्टर इमरजेंसी मैसेज देखकर नीचे जाने लगता है। तब उसे देखकर उसके पीछे पीछे मार्लो भी आने लगती है। जब वो नीचे आता है तो कोर्टनी की फ्रेंड से सारी बात बता देती है कि यह एक्सपेरिमेंट कोर्टनी का ही था और 2 मिनट हो गए वो दोबारा से जिंदा नहीं हो रही है। तब यह देखकर डॉक्टर कहता है कि CPR से काम नहीं चलेगा, पहले हमें उसके हार्ट बीट को स्टेबल करना है। इसके बाद वो उसके मुंह में एक वायर डालता है जो कि उसके हार्ट बीट तक पहुंच जाती है। ऐसा करने के बाद वो दोबारा से उसे CPR देने लगते हैं। उधर हम कोर्टनी को देखते हैं जो कि अलग ही दुनिया में आ गई थी। असल में कोर्टनी आफ्टर लाइफ को एक्सपीरियंस कर रही थी, जहां उसकी बॉडी तो उस हॉस्पिटल में थी लेकिन उसका ब्रेन आफ्टर लाइफ दुनिया में था। जब जैसे ही वो लोग उसे CPR दे रहे होते हैं तो उसे ऐसा फील होता है कि सारा रूम टूट गया है और तभी अचानक से उसे होश आ जाता है और वो दोबारा से जिंदा हो जाती है। इसके बाद वो लोग उसे घर ले आते हैं। उसके दोनों फ्रेंड उससे पूछते हैं कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है। अब वो कहती है कि फीलिंग बहुत अजीब है, यानी मेरे ब्रेन में जो भी यादें थी वो सारी रिफ्रेश हो गई यानी ताजा हो गई। इसके बाद वो लोग उसके ब्रेन की एक्टिविटी को देखने लगते हैं। वो देखते हैं कि कोर्टनी की दिल की धड़कन रुक गई थी और उसका ब्रेन ब्लैक होता जा रहा था और उन्हें कई कई जगह पर इलेक्ट्रिक पल्सेस दिखती है और यह इलेक्ट्रिक पल्सेस 2 जगह पर पाई गई थी। एक ब्रेन के उस हिस्से में पाई गई थी जहां से इंसान को प्यार नफरत भूख और प्यास का पता लगता है। दूसरी जगह वो होती है जहां इंसान का स्ट्रेस इमोशन स्टोर होता है, यानी कोर्टनी के लास्ट मोमेंट में उसके बहुत सारे इमोशन
रिलीज हो गए थे। अब इस एक्सपेरिमेंट की वजह से वो न ही सिर्फ मेंटली बल्कि फिजिकली भी स्ट्रांग हो गई थी और दौड़ने में तो उसका स्टेमिना काफी बढ़ गया था और वह पहले ही दिन 20 माइल दौड़कर आ गई थी। यानी इस एक्टिविटी की वजह से उसके पैदा होने से लेकर अब तक उसने जो किए लाइक स्टडी और वह बात जो उसने कही और सुनी वो सब याद थी। कॉलेज में भी वह टॉपर के लेवल तक आ जाती है। यानी ऐसा लग रहा था कि उसका ब्रेन रीसेट हो गया है, वो काफी स्ट्रांग हो गई थी। अब यह देखकर उसके फ्रेंड काफी खुश थे और डॉक्टर के अलावा वो सब इस एक्सपेरिमेंट को अजमाना चाहते थे। वह डॉक्टर उन्हें समझाता है कि यह गलत है, तुम्हें यह सब कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन एक एक करके वह तीनों उस एक्सपेरिमेंट को अजमाने लगते हैं। अब इस एक्सपेरिमेंट को फ्लैट लाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें इंसान के हार्ट बीट बिल्कुल रुक जाती है, बिल्कुल फ्लैट लाइन की तरह। यानी जब मशीन पर स्लिट लाइन चलने लगती है। जब कोर्टनी के मेल फ्रेंड पर इस एक्सपेरिमेंट को किया जाता है तो उसे अपने वाइफ की याद आने लगती है। असल में उस टाइम उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और उसने अपनी वाइफ को उस हालत में अकेला छोड़ दिया उसका साथ देने के बजाय। अब यह गिल्ट उसे याद आ रहा था। फिर हम कोर्टनी के फीमेल फ्रेंड के एक्सपेरिमेंट को देखते हैं, जहाँ पर उसके स्कूल में एक टॉपर लड़की थी जिससे वो काफी जेलस होती थी। इसकी वजह से कोर्टनी के फ्रेंड ने उसकी प्राइवेट पिक्चर पब्लिक कर दी थी, जिसकी वजह से उसकी काफी बदनामी हुई, इसलिए वो उस स्कूल को छोड़कर चली गई। इसके बाद मार्लो का एक्सपेरिमेंट दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपने फ्रेंड को देखता है जो कि उसका पेशेंट था। और एक दिन मार्लो ने जानबूझकर उसे मेडिसिन का ओवरडोज दे दिया, जिसकी वजह से मार्लो का फ्रेंड मर गया। यानी एक तरह से इस एक्सपेरिमेंट की वजह से उनका ब्रेन तो रिफ्रेश हो गया था और सारी यादें ताजा हो गई थी। सभी स्टडी में टॉपर आ रहे थे, लेकिन उधर दूसरी तरफ वो बातें भी याद आ रही थी जिन्हें वो लोग भुलाने की कोशिश कर रहे थे। अब कोर्टनी के फीमेल फ्रेंड का एक्सपेरिमेंट आखिरी होता है, इसलिए वो लोग सिक्योरिटी से बचने के लिए वहाँ से भाग जाते हैं और वो एक पार्टी में चले जाते हैं। अब पार्टी के बाद कोर्टनी के दोनों फ्रेंड एक साथ ही वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ मार्लो और डॉक्टर पार्टी को छोड़कर चले गए थे और अब पार्टी में अकेले कोर्टनी होती है। अब कोर्टनी अपने घर की ओर जा रही होती है तो उसे अपनी बहन का बिंग वहाँ पर दिखता है, इसलिए वो डरते हुए उसका पीछा करने लगती है और कोर्टनी की छोटी बहन गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। जहाँ कोर्टनी गाड़ी के अंदर देखती है तो उसकी बहन की डेड बॉडी पानी में तैर रही होती है। तब यह देखकर कोर्टनी काफी घबरा जाती है और घर के लिए जाने लगती है। इसके बाद हम कोर्टनी के मेल फ्रेंड को देखते हैं जो कि अपने बोट हाउस में होता है, क्योंकि वही पर रहता था। बोट हाउस में आने के बाद अचानक से उसे किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। उसे कपड़े भी हिलता हुआ दिखाई देता है और जब वह उस कपड़े को हटाता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। लेकिन तभी उसके पीछे उसकी वाइफ का भूत आ जाता है, उस पर अटैक ही करने वाला होता है। तभी उसके पास कोर्टनी की कॉल आ जाती है। कोर्टनी डरते हुए उससे बताती है कि मैंने अपनी बहन के भूत को देखा, तभी इसलिए उसका फ्रेंड उसके घर की ओर जाने के लिए निकल जाता है। इसके बाद जब कोर्टनी अपने घर पहुंचती है तो उसे डाइनिंग रूम में अपने बहन का भूत दिखता है जो कि काफी डरावनी लग रही थी। अब यहां से कोर्टनी भागते हुए फायर एस्केप पर आ जाती है, लेकिन तभी उसकी छोटी बहन भी वहां पर आ जाती है और वह कोर्टनी को धक्का देकर नीचे फेंक देती है, जिसकी वजह से कोर्टनी वहीं पर मर जाती है। जब नेक्स्ट डे उन चारों को उसके मौत का पता चलता है तो उन्हें बहुत सदमा लगता है। इसके बाद उनके साथ भी एक एक करके बहुत अजीब होने लगता है। कोर्टनी का मेल फ्रेंड जब अपने बोट हाउस में था तो फिर से उसे बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है और तभी उसकी वाइफ का भूत उसे दिखाई देने लगता है। वह उससे बचते हुए भाग ही रहा था, तभी वह भूत उसे पानी में गिरा देता है और एक नाइफ से उसे स्टैब करने लगता है। दूसरी तरफ मार्लो जब मॉग में होती है, उसे अपने पास की सारी डेड बॉडी जिंदा होती हुई दिखाई देती है और तभी उसकी फ्रेंड की डेड बॉडी उसे मारने आती है। हम कोर्टनी के फीमेल फ्रेंड को देखते हैं, जब वह लिफ्ट से जा रही होती है तो अचानक से उसकी लिफ्ट बंद हो जाती है और उस टाइम उस पर कोई अटैक कर रहा होता है। और जब एक फ्लोर पर जाकर लिफ्ट रुकती है तब वहाँ पर अजीब सी खंडर जैसी जगह थी और जब लिफ्ट का दरवाजा बंद होने लगता है तो उस टॉप पर लड़की का भूत उसे दिखाई देता है। इसके बाद शाम को वो चारों मिलते हैं और इस बारे में डिस्कस करते हैं जो उनके साथ हुआ। तब उन्हें लग रहा था कि एक्सपेरिमेंट की वजह से आफ्टर लाइफ का डोर खोल दिया है, जिसकी वजह से कोई डिनोमिक पावर जो उनके पीछे पड़ गई है। तब कोर्टनी का फ्रेंड कहता है कि मेरी वाइफ तो अभी जिंदा है, लेकिन उस डॉक्टर को यह सारी बातें अजीब लग रही थी। वह उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि यह सब कुछ तुम्हारे दिमाग का गेम है और यह रियल में तुम्हारे साथ नहीं हो रहा और तुम्हें अपने अपने गिल्ड का सामना करना चाहिए बहादुरी से, ताकि यह जो तुम्हारे दिमाग का डर है वह खत्म हो जाए। तब यह बात उन लोगों को ठीक लगती है, इसलिए कोर्टनी की फीमेल फ्रेंड टॉपर लड़की का एड्रेस ढूंढती है। वह उस लड़की के पास जाकर सारी बात बता देती है कि मैंने ही तुम्हारी सारी पिक्चर वायरल की थी। तब यहाँ पर उन दोनों के बीच बहस होने लगती है, लेकिन बाद में वो टॉपर लड़की उसे माफ कर देती है। इसके बाद कोर्टनी का मेल फ्रेंड अपने वाइफ को ढूंढता है। वह अपने वाइफ को ढूंढ भी लेता है, जिसकी कंडीशन काफी खराब थी और उसके साथ उसका बेटा भी था। अब यहाँ पर उसकी
उसकी वाइफ उसे माफ नहीं करती, तो इसलिए कोर्टनी का फ्रेंड उसे काफी एडजस्ट करता है कि प्लीज मुझे गलती सुधारने का मौका दो और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि हमेशा मैं तुम्हारा और अपने बेटे का ध्यान रखूंगा। फिर इसीलिए उसकी वाइफ उसे माफ कर देती है। अब इस माफी की वजह से कोर्टनी के दोनों फ्रेंड काफी खुश हो गए थे और सुकून मिल गया था, जैसे फिर उन्हें कोई भी भूत नजर नहीं आता। अब मार्लो को यहाँ पे समझ नहीं आता कि मैं उस आदमी से कैसे माफी मांगू जो ऑलरेडी मर चुका है। और जब वो गाड़ी में होती है तो कोई अचानक से प्लास्टिक सीट से उसका फेस कवर करके उसे मारने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से उसकी गाड़ी एक जगह से टकरा जाती है। वो उसके सारे सिचुएशन खराब हो गई थी और वो सोचती है कि वो दोबारा से आफ्टर लाइफ में जाएगी, वहीं पर जाकर वो अपने फ्रेंड से माफी मांगेगी। इसलिए वो हॉस्पिटल में पहुंचकर बेसमेंट में चली जाती है और अपने तीनों फ्रेंड को वहां पर आने का मैसेज करती है। बाद में वो खुद को इंजेक्शन लगाकर आफ्टर लाइफ में भेज देती है और इस बार तो आफ्टर लाइफ की दुनिया और भी ज्यादा डरावनी थी। वहां पर उसे अजीब चीज का सामना करना पड़ता है, यानी कोई इनविजिबल पावर उसे अंदर की तरफ खींच रही होती है और तभी उसे अपने फ्रेंड दिखाई देता है और वो उससे माफी मांगती है। लेकिन तभी अचानक से उसका फ्रेंड उस पर अटैक कर देता है, बाद में उसे हॉस्पिटल के बेड पर लेटा देता है जहां पर मार्लो एक तूफान में घिसी चली जा रही है। फिर उसके तीनों फ्रेंड वहां पर पहुंच जाते हैं। 5 मिनट हो गए थे उसे आफ्टर लाइफ में जाकर। वो लोग काफी कोशिश करते हैं उसे होश में लाने के लिए, लेकिन किसी भी तरह करके वो जिंदा नहीं हो रही थी दोबारा। तभी आफ्टर लाइफ में उसे कोर्टनी दिखाई देती है जो कहती है कि तुम्हें खुद को माफ करना होगा वरना तुम हमेशा के लिए इसी जाल में फंस जाओगी। तब जिंदा करने के लिए उसका डॉक्टर उसके हार्ट में इंजेक्शन को इंजेक्ट करता है और फाइनली उसकी हार्ट बीट चलने लगती है और वो दोबारा से जिंदा हो जाती है। इसके बाद मार्लो अपने टीम को सारी बात बताती है कि मैंने ही अपने फ्रेंड को ओवरडोज देकर मारा था, तब इसीलिए उसे थोड़ी दिनों के लिए प्रोग्रेशन पर रखा जाता है। इसके बाद वो लोग कोर्टनी का लैपटॉप फेंक देते हैं जिसमें उस एक्सपेरिमेंट की सारी डिटेल थी। अब जो उनके साथ अजीब हो रहा था यानी जो भूत दिखाई दे रहा था वो सब ठीक हो जाता है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। वैसे उनके साथ हुआ क्या था मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। असल में उस एक्सपेरिमेंट की वजह से उनका ब्रेन एक एक्सट्रीम लेवल पर काम कर रहा था और जब उनकी हार्ट बीट रुक गई थी तो उनके ब्रेन की एक्टिविटी सबसे लास्ट एरिया में थी। यह ब्रेन की वह जगह थी जहाँ पर इंसान का स्ट्रेस और टेंशन होता है, तो इसीलिए उनकी लाइफ की सारी गिल्ट उन पर हैवी होने लगती है और वही वजह थी कि वो हेलुसिनेशन कर रहे थे और जो भूत उनको नजर आ रहे थे वो असल में एग्जिस्ट नहीं करते बल्कि वो तो उनके दिमाग का बहम था। लाइक कोर्टनी को हमेशा से अपनी बहन का मौत का गिल्ट था, इसीलिए उसको अपने बहन के बारे में हेलुसिनेशन होने लगती थी। और इस तरह कोर्टनी के फ्रेंड को भी गिल्ट था अपने वाइफ का और अपने बच्चे का, तब भी तो उसे बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती थी जबकि उसकी वाइफ जिंदा थी और वह चोट जो कि उसके हाथ में थी वह किसी और ने नहीं बल्कि खुद ने लगाई थी, किसी भूत ने नहीं। और इस तरह मार्लो भी अपनी फ्रेंड को हेलुसिनेशन कर रही थी और कोर्टनी के फीमेल फ्रेंड उस टॉपर लड़की को। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आप और भी हमारी मूवी की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आ रहे वीडियो के लिंक पे क्लिक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को जरूर दबाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।